फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी, जब मशीनें अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगेंगी और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी तेज हो जाएगा, तब रोबोट ही भविष्य में सारे काम करें। और जब रोबोट ही सारे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? कोई इंसान पैदा होता है, पढ़ाई करता है ताकि नौकरी मिल सके और नौकरी करके पैसा कमाया जा सके। लेकिन जब इंसानों के पास काम ही नहीं होगा तो फिर वो पढ़ाई क्यों करेगा और वो पैसे कैसे कमाएगा? यहाँ पर सीधे सीधे इंसानों के सर्वाइवल को खतरा होने लगेगा, क्योंकि फिर इस दुनिया में इंसान की जरूरत ही नहीं बचेगी। पूरी दुनिया का माहौल बिल्कुल टर्मिनेटर मूवी जैसा हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सोचना शुरू कर देगा और दुनिया पर कब्जा करने के लिए इंसानों को या तो कैदी बना लेगा या फिर उन्हें मार डालेगा। क्या सच में ऐसा होने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1871 से लेकर 2010 तक लोग टेक्नोलॉजी से डर रहे थे। उन्हें डर था कि जब मशीन ही इंसानों का सारा काम कर देंगी तो इंसानों के पास करने के लिए क्या बचेगा? खेती करने के लिए लोग पहले बैलों का इस्तेमाल करते थे और बैलों को चलाने के लिए इंसान का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब पहली बार ट्रैक्टर आया तो लोगों ने सोचा कि अब बैलों का क्या होगा और बैलों को चलाने वाले उन मजदूरों का क्या होगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ट्रैक्टर के जाने से भले ही मजदूरों की नौकरी चली गई, लेकिन ट्रैक्टर बनाने के लिए ढेर सारे प्लांट में मजदूर की जरूरत पड़ी। मतलब जितने लोग शायद बेरोजगार हुए होंगे उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। इससे नई नई जॉब्स आई और लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई और इसी चीज ने लोगों पर टेक्नोलॉजी के प्रति डर खत्म कर दिया और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, ये जॉब्स को खत्म करती है तो नई जॉब्स भी देती है। लेकिन ट्रैक्टर वाला एग्जांपल अलग था। यहाँ पर ट्रैक्टर के पास दिमाग नहीं था, इसलिए उसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। साथ ही ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री में मशीन को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती थी। डिजाइन करने के लिए और इनोवेशन करने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब मैन पावर को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया और इंसानों को कुछ और काम ढूंढना पड़ा, वैसे ही अगर दिमाग वाले काम को भी मशीनों से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो इंसानों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में बड़े बड़े कामों को मशीनों के थ्रू किया जाता है, इसलिए लेबर की जॉब्स काफी कम हो चुकी है। अब केवल हाई लेवल की जॉब सिक्योरिटी है जहां पर दिमाग लगाने का काम होता है। इन जॉब्स को भी खत्म करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि जब एक ही प्रोग्राम से सारा काम हो जाएगा तो किसी भी कंपनी को किसी इंसान को दिमाग चलाने के लिए सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और कंपनी हमेशा खुद का फायदा ही सोचती है। एलन मस्क काफी बार वार्निंग दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में दिमाग वाला काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा। फ्यूचर में रोबोट सारे काम करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और भविष्य में रोबोट्स के पास खुद का दिमाग होगा। इंसानों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो केवल पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे और पोल्यूशन फैलाएंगे। जब मशीनें ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगी तो उनके पास इंसानों को इस धरती से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा और हम लोग पूरी तरह से उनके लिए यूजलेस हो चुके होंगे। लेकिन रोबोट का निर्माता भी कोई ना कोई इंसान ही है और भगवान ने ही मनुष्य को शक्तिशाली बनाया है, लेकिन इतना शक्तिशाली भी नहीं बनाया कि वो किसी धातु के टुकड़े को सोचने समझने की शक्ति दे सके। लेकिन फिर भी अगर सोच कर देखें कि अगर रोबोट ने इस तरह की कैपेसिटी को डेवलप कर लिया और उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो गया तो हम इंसानों के साथ क्या होगा? इंसानों के अंदर जो अच्छाई और बुराई होती है वो सब रोबोट्स के अंदर आ जाएगी। केवल उनके अंदर भावनाओं की कमी रहेगी, उन्हें ना तो किसी का दुख और ना ही किसी का दर्द समझ आएगा। लेकिन उनके अंदर एक इंटेल डेवलप हो जाएगा तो समय के साथ वो समझ जाएंगे कि धरती पर उनके राज करने का समय आ चुका है और उनके पास सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इंसानों की तरह न तो उन्हें दर्द होता और न ही उनको कोई बीमारी होती है। लेकिन इंसान काफी ज्यादा नाजुक होते हैं और रोबोट्स के लिए इन्हें मारकर दुनिया पर कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता? उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बुरी खोज बताया। उनके हिसाब से इंसान की एवोल्यूशन में और फिजिकल ग्रोथ में काफी टाइम लगता है। आज हम इंसान इतने आगे आए हैं लेकिन उसमें भी हमें हजारों लाखों साल लगे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीखने की स्पीड और उसके एवोल्यूशन की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और अगर वो इसी स्पीड से ग्रो होते रहे तो करीब 20 साल बाद वो इंसानी दिमाग से भी ज्यादा तेज हो जाएंगे और थोड़े समय बाद वो अपने बनाने वाले रचयिता मतलब इंसानों को ही बेवकूफ समझने लगेंगे। हम इंसान उनके लिए कचरा बन जाएंगे जिनकी सफाई का काम रोबोट अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि आज के समय में मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे ऑपरेशन रोबोट के द्वारा किए जाते हैं और फ्यूचर में ये काम पूरी तरह से रोबोट को ही दे दिया जाएगा। आर्मी में भी सैनिकों की जगह किलर रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और फ्यूचर में सैनिकों के लिए कोई जॉब नहीं बचेगी, क्योंकि लड़ने का काम भी रोबोट ही करने लगेंगे। साथ ही घर के सारे काम करने के लिए आपको नौकरानी नहीं रखनी पड़ेगी, आपके घर में आपके पास एक पर्सनल रोबोट होगा और हम धीरे धीरे पूरी तरह से रोबोट पर ही डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन उस समय भी कुछ नौकरियां बची रह जाएंगी, जैसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग करना,
क्योंकि रोबोट के अंदर भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस दुनिया में हर कोई कोड या प्रोग्रामर तो बन नहीं सकता, तो बाकी लोग क्या करेंगे? कुछ लोग इन रोबोट की रिपेयर करेंगे तो कुछ लोग इनकी मरम्मत। लेकिन धीरे धीरे जब ये काम भी रोबोट के द्वारा किया जाने लगेगा तो इंसानों की ये जॉब्स भी खत्म हो जाएंगी। साल 2016 के जून महीने में एक घटना घटी थी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट यानी चैटिंग करने वाले प्रोग्राम को फेसबुक ने डेवलप किया था और अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके फेसबुक वाले ये कोशिश कर रहे थे कि बोट्स आपस में बात करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और ऑटोमेटिक रिप्लाई करने का सिस्टम और भी ज्यादा डेवलप हो सके। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। वो चैटबॉट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करना सीख रहे थे, वो आपस में ही एक अलग भाषा में बात करने लगे और वो भाषा इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई थी। उस भाषा को रोबोट ने अपने आप ही डेवलप कर लिया था और वो भाषा इंसानों की समझ से बाहर थी। मतलब इतने कम समय में दो चैटबॉट ने मिलकर अपनी एक भाषा बना ली और वो सीक्रेटली एक दूसरे से चैट करने लगे। ये तो केवल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर थे जिन्होंने अपनी एक अलग भाषा बनाई और अपनी बातचीत को इंसानों से छिपाए रखा। जैसे ही फेसबुक की टीम को इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये घटना इतनी छोटी और मामूली होती तो क्या फेसबुक जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को बंद करता? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी रोबोट को दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया गया तो ये मशीन हमसे कितना आगे निकल जाएंगी। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के एआई के साथ घटी दो घटनाएं हमें भविष्य में आने वाले खतरे का संकेत देती हैं, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग में छोटी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो रोबोट की पूरी सेना इस दुनिया पर चुटकियों में कब्जा कर लेगी और तब इंसानों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। तभी तो शायद इलोन मस्क को मार्स प्लैनेट पर जाने की इतनी जल्दी है, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि धरती पर कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है इससे पहले कि एआई पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। उससे पहले ही इलोन मस्क मार्स प्लैनेट पर जाकर रहना चाहते हैं, क्योंकि इंसानों ने इस समय हाई कैपेबिलिटी वाले रोबोट बनाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में ये रोबोट अपने ही क्लोन बनाने शुरू कर देंगे और जब इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये इंसानों को खत्म करना शुरू कर देंगे और पृथ्वी पर इंसानों को गुलाम बनाकर रोबोट ही राज करेंगे और वो एक देश से दूसरे देश पर कब्जा करते जाएंगे और ऐसे ही आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर रोबोट का राज होगा। हम मनुष्य एडवांस तो होते जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अपने आप को बहुत बड़े खतरे में भी डाल रहे हैं। अगर हम इस समय पर किसी भी रोबोट को किसी भी गेम की अगर थोड़ी भी नॉलेज दे देते हैं तो वो अपने आप को इतना एडवांस बना लेता है कि वो उस गेम में किसी भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को चुटकियों में हरा देता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर हमने इन रोबोट को थोड़ी ज्यादा नॉलेज दे दी तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। शायद अब आपको समझ आ चुका होगा कि रोबोट हमारे लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक साबित होंगे। आज जिन रोबोट को हम लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, वही रोबोट आने वाले समय में हमें इस्तेमाल करेंगे और अपने फायदे के लिए जैसा चाहे वैसा इंसानों को इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम इंसान उनके लिए यूजलेस होंगे तो वो हमें खत्म भी कर देंगे।